तो आपको जैसा पता है अभी पिछले ब्लॉग में आपने मेरे को देखा था कि मैं यहाँ पे आ चुका था बरसर, और उसके बाद हम गर्मी हो रही थी ना तो बढ़िया मस्त नहा लिए धो लिए, उसके बाद खा पी के थोड़ी देर हम सो गए थे। तो अभी जस्ट मैं आधे पौन घंटे पहले ही उठा हूँ खाना और हम दोनों सो गए थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। कृष्णा आज कहीं चलेगा बरसर में? हाँ, पहले इन लोगों को सबसे पहले मेन जगह बड़ी बरसर धाम वहाँ पे चलते हैं। अच्छा, तो सबको दर्शन कराना वहाँ के? हाँ, वहाँ के सबको दर्शन। ठीक है सानू, चले चले चलेगा ना? बिल्कुल चलो। तो चलो भाई, लो हर बार की तरह बन गया है एकदम अर्जेंट प्लान, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सबसे पहले बड़ी बरसर धाम। तो बोलो बालाजी सरकार की जय। तो चलो ये है बड़ी बरसर धाम का रास्ता जैसा कि मैंने बोला था, तो चलिए चलते हैं। बड़ा प्यारा लगता है यहाँ से बुढ़ी बरसर जाने में भी, बहुत सुंदरता है एकदम ग्रीन ग्रीन पूरा हो जाता, बहुत अच्छा लगता है। तो आ गए हैं, ये मंदिर है बालाजी सरकार का। और उससे पहले आपको मिलवा देता हूँ हमारी टीम के एक और मेंबर से, मतलब मेरे छोटे भाई से, जिसका नाम है सोमू। ये हमारे मामा का लड़का, बड़े मामा का लड़का है। ये था नहीं उस टाइम, क्योंकि ये मेडिकल पे बैठा था सुबह का, तो ये अभी आया, तो मैंने सोचा कि भाई को भी सबसे मिलवाना चाहिए। तो चलिए अब आपको मैं दर्शन करवाता हूँ बालाजी सरकार के। ये रहा मंदिर, तो चलिए चल रहे हैं अपना मंदिर के अंदर। और ये मंदिर की ध्वजा दर्शन करिए सबसे पहले इसकी। अभी आपने जो दर्शन करे बालाजी सरकार के, मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ, ये मंदिर बहुत प्राचीन, लगभग कितना प्राचीन? 3000 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। और अभी मैं जैसा कि आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पहाड़ी पे माता वैष्णो देवी का मंदिर बन रहा है। ये मैं आप पहाड़ी दिखा देता हूँ, दिख रही होगी आपको ये। और इसका निर्माण कार्य चला तो यहाँ पे खुदाई हुई, और खुदाई जब हुई तो यहाँ पे बहुत ही प्राचीन बावड़ी निकली है। मैं उस बावड़ी के आपको दर्शन कराऊंगा। और उस बावड़ी में सबसे बड़ी बात क्या कि बहुत प्राचीन मूर्तियां उस बावड़ी में से निकली हैं, तो मैं उन मूर्तियों के भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बावड़ी के दर्शन कराता हूँ, फिर अपन चलते हैं। मूर्ति कहाँ पर रखी वैसे? मूर्ति धर्मशाला में रखी है। अच्छा, तो उधर धर्मशाला में मूर्ति रखी है। अच्छा, बाद में उनका अलग मंदिर बनेगा, और जैसा भी होगा मैं आपको और आगे बताता हूँ। पहले आप ये बावड़ी के दर्शन करिए। चलिए मंदिर, उसके पीछे यहाँ पे खुदाई हुई तो ये पूरी यहाँ से जीने निकले, ये पूरी बावड़ी निकली है, देखिए। और इतनी सुंदर इसकी बनावट निकली है ना, ये कोई अभी खड़ी नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही निकली है। मंदिर के साथ ही इतने प्राचीन हो, इसमें पानी भी निकल चुका, और देखो जीने इसमें निकलते जा रहे हैं अभी भी। बहुत प्यारी है बावड़ी निकली है। ये पूरी लोकेशन देखिए आप, इसकी पूरा सीन देखिए इस बावड़ी का, ये है पूरा। और ये है भगवान का मंदिर। तो जैसा कि अभ्याल आपने ये बावड़ी दर्शन करे, उसके बाद अभी मेरे को एक और बात बताई मेरे भाई ने, तो वो बात आपको मेरा भाई बताएगा। कहाँ ना बताओ, यहाँ जमीन देख रहा है वो, कौन सी? ये वाली जमीन? ये वाली जमीन, हाँ भाई, ये वाली जमीन है। ग्राम के कुछ धर्म प्रेमियों ने उनकी 10 बीघा जमीन यहाँ पर दान में दी है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ समय बाद विशाल एक महाविशाल गौशाला का निर्माण होने वाला है। अच्छा, अरे वाह, क्या कितनी अच्छी बात है। तो ये बावड़ी के दर्शन करने के बाद मैं अब आपको लेके चला हूँ, जो इस बावड़ी में से मूर्तियाँ निकली है उन मूर्तियों को दर्शन कराने मैं आपको लेके चलता हूँ। तो चलते हैं, मूर्तियों को दर्शन कराते हैं आपको। तो हम आ गए, यहाँ पर मूर्ति रखी है, चलो वो मूर्तियों को मैं दर्शन कराता हूँ आपको। ये ढोक देना पड़ेगी जी। हो आप सबकी तरफ से मैं रेडी, और ये मूर्ति जो निकली है उस बावड़ी में से मूर्ति निकली है,
तो आप दर्शन करिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, शिव पार्वती और गणेश जी। ये मूर्ति उस बावड़ी में से निकली है, बहुत ही प्राचीन मूर्ति आप देखिए। तो ये पानी वगैरह सब पी लिया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर पहाड़ पे, आइए। जय ओके। तो अब हम ऊपर आ चुके हैं, तो अभी अभी मुझे एक और बात पता चली और वो भी इसने बताई, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग और माता का भव्य मंदिर, ये जो पहाड़ी है